Assalamu alaikum everybody, good morning. I hope you saw the sky and the birds chirping. Subah ke baj rahe hain 5 aur hum log abhi nikalne wale hain. I haven't put on any makeup or anything. Maine kaha aise hi bas subah subah I'll just let my skin breathe. Abhi to awaaz bhi normal nahi hui and we've just loaded all the stuff in the car. Thodi der mein my parents are coming, wo aake baithenge and then we're gonna leave. Phir hum aapa ko pick up karenge from her in-laws and then we are gonna be on our way inshallah. So bahut lambi journey hone wali hai aaj, pura din gaadi mein guzrega but maza aayega. We're used to road trips, like family road trips. So maine kaha is dafa aap logon ke sath bhi share karun jitna bhi I can, I will. So that's pretty much what we're doing. Chale, let's... Hello everybody, the first quarter of our journey I think is done. मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत सोई सोई सी आई हूँ. हम लोग अभी पहुँचे हैं ज़िला नवाबशाह एज पर द डूड बिहाइंड दैट गाय, ही वाज गिविंग मी सम इन्फो एंड पीछे कोई पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो. एंड हम वेट कर रहे हैं चाय का, चाय इज़ गना कम, चाय पियेंगे और फिर एनीवे गाइस पीछे आई डोंट नो क्या गपशप चल रही है. वी आर वेटिंग फॉर चाय, थोड़ी सी चाय पियेंगे, नींद शींद हमारी खुले. हम काफ़ी इस वक्त मैं तो लग ही रही हूँ डेड ऑनेस्टली, बट सो फार वी आर कम्फर्टेबल, वी आर हैप्पी. और बीच में माई ब्रदर इन लॉ की प्लेइंग वेरी नाइस म्यूजिक, तो हम काफ़ी पुराने ओल्ड स्कूल बॉलीवुड गाने सुनते सुनते हैं. दैट्स माई फैमिली सिटिंग समवेयर देयर. हमने उनसे कहा चारपाइयाँ ला के लगाएं, फिर बाबा ने सारे बर्तन उनसे धुलवाए कि अब आप हमें चाय बना दें. सो ऑल दैट जैज इज गोइंग ऑन. अच्छा, हमें इतनी सिंधी नहीं बोलनी आती बट माई डैड कैन स्पीक इन सिंधी बिल्कुल फ्लुएंट. तो वो जो सिंध के इलाके ना उनमें फिर वो सिंधी में बात करते हैं और वो उनको बता देते हैं कि एक दफ़ा ज़रा कप और सब खंगाल देना ताकि हमें तसल्ली रहे, क्योंकि वरना फिर मैं फिर चिड़चिड़ करती रहती हूँ कि नहीं मेरा पेट खराब हो जाएगा. सो लाइक ही मेक्स श्योर दैट एक दफ़ा वो ज़रा साफ़ कर दें कप. बाकी हम इतना कोई अपना लेश के साथ नहीं घूमते, लाइक डिस्पोजेबल टाइप्स, इतने इंटरनेशनल हम भी नहीं हैं, बट जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर. और मैं तो ग्रेविनेट खाती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ. वैसे मुझे लग नहीं रहा उसने एक कप धोया, बट दैट्स ओके. या दैट कप्स वॉश्ड, थैंक यू डैडी, आई वुड लाइक दैट कप. बेटा वो कप लाओ साफ वाला, इधर पकड़ के रख, नहीं पकड़ो टाइट पकड़ो, चलो ये वाला कप ले जाओ. दिस इज द प्लेस, लिटरली दिस इज द प्लेस. ये हमारी पीटी टीचर है, स्पोर्ट्स किट वापस उठा के जलाई. सिटी का है मेरी. चलो बच्चों, स्टॉप नंबर 3 लुक लाइक अ मेस बट एटलीस्ट वी फाउंड दीज नाइसर रेस्टरूम्स विद लाइक द एसी एंड स्टफ. बट आई एम डन, मैंने तो बस मुंह हाथ ही धोना था. You guys, Appa's buying me some cold coffee. From where are we? Where did we reach? भाई ये कौन सा इलाका है? ये जगह घोटकी. Okay, so we're at घोटकी and there's some cafe at the gas station. तो हम यहाँ से cold coffee खरीद रहे हैं. करीब से तो आपको दिखाने वाली इस वक्त हालत नहीं है एट ऑल. और आई डोंट वांट टू रिवील माई रूम टू मच आइदर, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ये बैठी है मेरी छोटी सी मैडम कोको, कोको प्योरी. ये मुझे नहीं छोड़ती, शी इज़ लाइक, अब इसने मुझे देख लिया है, अभी मेरे साथ 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 है. बाकी सारे डॉगीज नीचे हैं, ये मैडम मेरे साथ हैं. ये आ गया है जी मेरा बक्सा, दिस आर द एवर फेमस पर्दे जो कि इस खिड़की पर लगने हैं. एंड आते साथ ही I've got a stunning package. मैंने ये इधर ही मंगा लिया था, मैंने कहा इसको मैं यहीं शूट कर लूँगी. इट्स फ्रॉम जेब, सो वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बट अभी तो बस बिल्कुल पहुँची हूँ एंड जो है ये हमारे बाकी सामान के कार्टन्स वगैरह हैं. द हाउस इज स्टनिंग, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ. कोको आ जाओ, ये देखा ये पीछे पीछे चलती रहेगी, आ जाओ. जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ आउटसाइड.
दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी माशाल्लाह माशाल्लाह से मामा हैज डन अ ग्रेट जॉब। ये मेरे कमरे की खिड़की है, ये उसके बाहर चेयर्स वगैरह रखी हुई है। अभी सुबह सब कुछ सेट होगा बट जस्ट अभी तो हम लोग पहुँचे हैं, सामान शामान अभी सेट करेंगे, जितना मामा को डू शी डिड बाकी अब हम खुद करेंगे। कोको गुड़िया, ये बेचारी मेरा वेट कर रही है। हेलो, हाय गुड़िया, हेलो। ये जो बेचारा मेरा बैग है इसकी तो आज ही मुझे लगता है फौदगी सी हो गई है, बिकॉज़ ये गाड़ी में फिस फिसा के आया है। इसको मैं फ़ौरन खाली करूँ, ये व्हाट्स इन माय बैग होने लगा है। जी बाबा आई एम कमिंग। सबसे पहले तो लैपटॉप निकालें कि व्लॉग एडिट हो आज का, और फिर इसको मैं आके एम्प्टी करती हूँ। टू मच इनसाइड। कोको कम ऑन बाबा, कम ऑन। ओके गाइज, आई हैव शावर्ड। मैंने कहा इस तरह तो गंदी मैं नहीं सो रही इतने साफ सुथरे अपने बेड में, एंड सुकून मुझे वैसे भी नहीं आना। सो पहले मैंने ये अनबॉक्स किया है, इट इज़ अ गॉर्जियस सूट। आई थिंक ज़ेब इज़ अबाउट टू बिकम माई न्यू फेवरेट ब्रांड। इतना सॉफ्ट कपड़ा है और इसका दुपट्टा इतना क्यूट है, इट्स सच अ गर्ली दुपट्टा, इट्स सो ब्यूटिफुल, ये देखें। सो इसको इंशाल्लाह आई विल शूट एंड अपलोड ऑन इंस्टाग्राम। अभी मैंने सोचा कि नींद तो क्योंकि मुझे आएगी नहीं, सुकून भी नहीं आएगा, सो आई एम गोना क्विकली अनबॉक्स लाइक ये सिचुएशन टैकल करती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ दराजों में क्या। सिर्फ उप्स कमरा ज़्यादा ही दिखा दिया, बट दैट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स मैटर, आप लोग ही हैं। फिर ये वाली अलमारियों में देखती हूँ कि कौन सी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। सो बस यही इस वक्त तो चल रहा है। आई नीड टू चार्ज माई लैपटॉप, टेक दैट स्टफ आउट, इसको खाली करना है। ये बेचारा बैग जो है ना, आज इसकी बहुत अब्यूज़ हुआ है इसके साथ। एंड देन आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पेंडिंग व्लॉग्स, पेंडिंग ऑफिस वर्क, सो मच, सो आई एम गोना सिट एंड डू ऑल ऑफ दैट ऑल्सो। ये भी मैंने निकाल दिया, तो बस अब ये करूँगी। सो आई थिंक आई एम गोना से बाय टू यू गाइज हियर। आई होप यू गाइज एंजॉय टूडेज व्लॉग। इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन वेरी वेरी सून। तब तक लल्ला हाफिज़। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट मी जस्ट ओपन माई हेयर। अभी अभी हुई हूँ मैं तैयार, एक्सक्यूज़ द मेस, अभी हम अनपैकिंग में मसरूफ़ हैं। आई जस्ट गॉट रेडी। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं इतने दिन बाद ऐसे सोई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आज मेरी आँख 12 बजे खुली है, उससे पहले मेरा दिल नहीं था उठने का। बेड में लेटते साथ आई स्लेप्ट, और एक दफ़ा बीच में जो आप कहें ना नींद में झटका लगा हो या आप उठे हो या नींद ख़राब हुई हो, none of that, I slept like a log you guys। तो इतने दिन बाद बहुत 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 अच्छी नींद आई अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर आके एक अलग ही फीलिंग होती है, और ये घर तो माशाल्लाह my mom has outdone herself। इतना खूबसूरत घर मामा ने बनाया है, इतना खूबसूरत घर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामिया हर नज़र से उनको बचा के रखे, इस घर को बचा के रखे, आमीन। मैं आप लोगों को ज़रूर हाउस टूर कराऊँगी, फिनोमिनल जॉब मामा हैज़ डन। सो खैर, अभी मैं इतना ये जो मेकअप शेकअप लगा के इतनी तैयार हीरोइन बनी हूँ ना, वो इसलिए है बिकॉज अब मैंने कल आप लोगों को पहुँच के दिखाया था दैट ज़ेब सेंट मी अ PR। मैंने उनको कहा था इधर ही शिप कर दें मुझे, तो आई एम गोना वेयर दिस आउटफिट, इट इज़ सो खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल है। तो मैं बस अभी ये पहन के आप लोगों के लिए एक अच्छी सी TikTok और Instagram वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, और उसके बाद फिर ये जो सारा हमने कबाड़ खाना खोला हुआ है ना इधर, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज ये करना है, रात को देन वी हैव टू गो फॉर अ डिनर। वैसे मैं सोच रही थोड़ा शाम को तैयार होती तो डिनर के लिए भी मैं तैयार ही रहती, बट अभी इतनी अच्छी रोशनी है कि मैं सोच रही हूँ मैं अभी अपना रिकॉर्डिंग तो कर लूँगा। सो वेकेशन भी चल रही है, साथ साथ काम भी चल रहा है, दैट्स जस्ट हाउ माई लाइफ इज़ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद जान के बीच में ब्रेक नहीं ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई इन्जॉय, मुझे मज़ा आता है। मामा मुझे देख देख के खुश होती रहती कि ये क्या कर रही है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। खैर, तो अभी मैं बस जाके इनको इस्त्री करती हूँ और फिर मैं इनको पहनती हूँ, अच्छी सी कोई पिक्चर्स विक्चर्स देती हूँ पहन के, भी आप लोगों को इधर भी दिखा देती हूँ, एंड दैट्स प्रीटी मच इट सो फार। उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। गाइस, आई गॉट ऑल रेडी एंड ये देखें, ऐसा कोई बारिश का मौसम बना मेरे तैयार होने के बाद कि पर इट्स ओके। आपा तो सो गई, जिसने मेरी तस्वीरें खींचनी थी। सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर मामा, मामा वाज आउट फॉर सम वर्क, तो मैं टेरेस में खड़ी हूँ, आई एम वेटिंग फॉर हर। व्हेन शी कम्स शी इज़ गोना टेक माय पिक्चर्स, क्योंकि यहाँ ट्राईपॉड तो मैं लाई नहीं हुई, तो खुद तो ये हो नहीं सकता, सो आई एम जस्ट वेटिंग। गाइस, दिस प्लेस इज़ गिविंग सच दुबई फील्स, क्योंकि ये देखें सारे एक जैसे घर हैं पीछे।
बट एनी वे आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई उठे तो मेरी तस्वीरें ले भाई, क्या सीन है. मैंने सबको बताया था मैं तैयार होने जा रही हूँ, प्लीज़ एवरीबडी स्टे ऑन स्टैंड बाय. और सब गायब हो गए, आपस अस्लीप, आपस हस्बैंड अस्लीप, मामाज गॉन टू वर्क. बाबा बहुत ख़राब तस्वीरें लेते हैं, आसमान ज़्यादा ले लेते हैं. हम लाइक डहरी मेरी लेनी थी, वो ऊपर कहीं आसमान ले रहे होते हैं. सो बाबा इज़ नॉट एन ऑप्शन. हैदर चाचा बहुत अच्छी तस्वीरें लेता है, बट हैदर चाचा अभी खाना बना रहा है, ही इज़ मेकिंग बिरयानी, वेरी एक्साइटेड. सो आई थिंक आई एम गोना वेट फॉर मॉम टू कम. अब तक हम टेरेस में हैं, मी एंड माई गैंग. ठीक है, हाय हाय एवरीबॉडी, हेलो. सो वी आर जस्ट हियर. Oh, they're here. I see the car. ये देखा इनका शोर शुरू, इनको पता चल जाता है गाड़ी आ गई. Okay, you guys, we did the shoot and then it got so hot. मेरे हाल देखें आप, इतनी गर्मी हो गई है, बहुत too much. It's too hot. I'm like sweating all over. But खैर, I changed into my favorite lights. अब breezy सा, मैंने कहा वो नया जोड़ा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है. अब लाइट चली गई है यहाँ पे, अभी UPS और जनरेटर वो सब कुछ सेटअप हो रहा है. ऑब्वियसली बिकॉज द न्यू हाउस वो अभी तक रेडी थोड़ी हुआ है पूरा, तो वो हो रहा है. आज मिशन पर्दा लग रहा है नीचे, हमने लाउंज का पर्दा लगा लिया है, दो रूम्स का लगा लिया है, अभी मेरे कमरे का और ऊपर तीन चार कमरों का लगना रहता है. पर अभी लाइट गई हुई है, सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ. वंस द लाइट इज़ बैक देन वी विल डू इट. लाइक द हाउस हेल्प डज इट ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि आपको साथ हेल्प तो करानी पड़ती है ना, उनको क्या पता कहाँ पर क्या लगेगा. सो I'm just gonna go out in the wind because अंदर तो इस वक्त बहुत, ओ बाहर भी बहुत धूप हो गई है. But नहीं, बाहर अच्छा है, like it outside. यहाँ बैठते हैं, it's nice here. आज मैंने Huda Beauty का लगाया है highlighter and I like it. It's nice and अभी तो खैर with sweat it's like mixed up, but I like the highlight, giving a nice glow. एनी वे गाइज, आई थिंक आई एंड द ब्लॉग हियर, क्योंकि इसके बाद हम घर के कामों में इतने बिजी हो जाएंगे, कि आई डोंट इवन नो. लेकिन हो सकता है लंबा भी हो जाए, बिकॉज आई डोंट नो अभी ड्यूरेशन क्या बनी है इस ब्लॉग की. सो इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे आने वाली और वीडियोज़ देख सकें. सो मेनी ऑफ माई फॉलोअर्स, लाइक जो मेरे बहुत हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़े. मुझे नहीं पता क्यों नहीं बढ़े, बट आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, या अगर आपका कोई सोशल मीडिया पेज है तो उस पर शेयर कर दें प्लीज़, ताकि और से और लोग देख सकें और हमारा ये चैनल और हमारी ये फैमिली ग्रो कर सके, सो दैट आई कैन मेक बेटर कॉन्टेंट फॉर यू गाइज ऑल्सो इंशाल्लाह. अभी फ़िलहाल के लिए मैंने टिकटॉक नया बनाया है और मैं टिकटॉक पर काफ़ी कॉन्टेंट लगा रही हूँ, बट दैट इज़ फैशन कॉन्टेंट. तो इफ़ यू आर इन टू फैशन स्टफ़ तो आप लोग वहाँ जाके देखिएगा. अभी के लिए मैंने फैशन कंटेंट लगाया, आगे मुझे नहीं पता मैं क्या लगाऊं, तो फॉलो कर लीजिए उस पर टिकटॉक पे. बट सो फार आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ फैशन कंटेंट एंड इट्स गुड कंटेंट, आई एम क्वाइट कंटेंट विद इट. तो ज़रूर टिकटॉक पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए प्लीज़. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें. अभी के लिए आई थिंक आई विल से अल्लाह हाफिज़, बट आई डोंट नो, शायद ये व्लॉग और आगे हो, सो कीप वॉचिंग. ये मेरी जाइंट खिड़की के पर्दे रॉड साफ हो रहे हैं. दिस इज़ अ टिप बाय द वे गाइस, बहुत लोगों के घर में मैंने नोट किया है रॉड ऐसे ही लगा देते हैं, ऐसे मत लगाया करें, थिनर लगाएं बोतल पे और इस रॉड को साफ करें, ये देखें चमक कैसे हो जाएगी. क्योंकि जब भी आप पर्दा साइड पे करेंगे आपकी गंदी रॉड नज़र आएगी. सो प्लीज़ क्लीन द रॉड, थिनर से क्लीन करें इसको और फिर लगाएंगे. गंदी रॉड प्लीज़ मत लगाएं, जस्ट अ टिप. थैंक्स थैंक्स. वैसे का ह्यूज विंडो माशाल्लाह, अब इस पर जब पर्दे आएंगे तो क्या लुक बनेगी ये अब हम देखते हैं. ओके गाइस, पर्दा एक लग गया, इसके ऊपर सेकंड आएगा मोटा वाला. द पर्दा इज अप, आई डोंट नो हाउ बिग इट लुक्स इन द वीडियो बट इट इज़ ह्यूज. फाइनली दोनों पर्दे लग गए हैं, दे लुक स्टनिंग ब्यूटिफुल. कमरे में मैस हो गया, मैंने अभी बस वैक्यूम किया है. ये वो बाकी पर ये शनेल के बैग में क्यों व्हाट द हेल, आई डोंट नो ये शनेल के बैग में क्यों, बट लाइक ये पर्दे का एक्स्ट्रा सामान जो मुझे नहीं चाहिए था, दिस इज गोना गो बैक आउट. जी मैम, पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है, मैंने कुछ पेंटिंग्स थोड़ी सी मामा की चेंज करवाई हैं इधर उधर, तो इसलिए. जी मैम, कहाँ से बुला रही हैं अम्मी, ये पर्दों का सामान शनेल के पैकेट में क्यों? क्योंकि
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सॉरी दैट आई लुक लाइक अ हॉट मेस, बट बहुत 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 गर्मी है यहाँ। इट्स वेरी हॉट। अंदर तो जब तक रहते हैं एसी में तो ठीक रहता है, इवन पंखे में भी बहुत ठीक रहता है, बट बाहर जब निकलो तो ओ माई गुडनेस, इतनी गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। बट आज माशाल्लाह से हमारे घर में दुआ थी, क्योंकि हमारा ये नया घर है। तो आई डोंट नो आप लोगों के घर का क्या सिस्टम होता है, मगर हमारे घर में ये हमेशा से रिचुअल है। एवरी टाइम वी मूव या कोई हमारा कोई बड़ा लाइफ का यू नो कोई ओकेजन आ रहा हो या कुछ भी, तो हम एक दुआ करवाते हैं जो मेरे अब्बू खुद पढ़ते हैं, और दुआ करवा के उसके बाद बस जितने भी आसपास जो भी होते हैं लोग, लाइक कोई मजदूर होते हैं या जो भी होते हैं, या जो हमारी हाउस हेल्प होती है उसके अलावा, लाइक जो भी साथ कोई आसपास घरों में मजदूर हों या जो भी हों, तो वी जस्ट इनवाइट ऑल ऑफ देम ओवर, और वो लोग सब खाना खाते हैं, दस्तरखान बिछता है बाहर, एंड देन सब खाना खाते हैं। अक्सर वो खाना हमारे घर में ही वो देखने होती हैं, बड़ी बड़ी पकती हैं। आज आई थिंक केटरिंग वालों से करवाया, आई एम नॉट श्योर, या आज भी घर में बनाया, आई चेक एंड लेट यू नो। तो उसमें ये होता है कि चिकन कोरमा होता है, नान होते हैं, मीठे चावल होते हैं जिसके अंदर वो गोल गोल वो भी होते हैं, गुलाब जामुन एंड वाइट वाइट थिंग्स, कोकोनट भी होता है, बड़े मजे के होते हैं, एंड साथ फल होता है, पानी होता है, ऑल ऑफ दैट। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। आई कैन जस्ट सी आउटसाइड पीपल आर लीविंग। आज बल्कि मुझे इतनी खुशी हुई कि देर वॉज दिस रेस्क्यू टीम, आई थिंक 1122 वाले होते हैं, कौन होते हैं, तो वो भी गुजर रहे थे अभी अपना वो ख़त्म करके, तो हमने उनको भी बुला लिया, हमने कहा आप लोग भी आके खाएं, तो उनको इतनी भूख भी लगी हुई थी, तो आई वॉज सो सो हैप्पी। मैंने कहा देखो इनका यहाँ लिखा हुआ था खाना, तो माशाल्लाह से जस्ट आई डोंट नो, जस्ट फील्स वेरी गुड। एनी वे आई वॉज वेयरिंग दिस लवली आउटफिट, ये मुझे आज ही आया था मीराक से, आप इसके दो आए थे, तो एक मैंने पहन लिया, एक आपा ने पहन लिया, और साथ मैंने बस ये फोन का दुपट्टा सर पे लिया हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली दुआ थी। तो दिस वॉज द लुक, बाल तो बांधने पड़े बिकॉज इट वॉज जस्ट टू हॉट। अभी मैं ऊपर आई थी कमरे में जस्ट टू चेक ऑन द डॉग्स, बिकॉज ये बेचारों को मैंने ऊपर बंद किया हुआ था, नीचे फिर लोग डर जाते हैं। तो कमरा आज भी मेरा इतना कोई साफ नहीं हुआ हुआ बिकॉज आई जस्ट कांट सीम टू फाइंड द टाइम टू डू दैट, इतना कुछ और करने का था, ये अंदर ही बैठे रहे। मैं ऊपर से आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वैसे इट्स नथिंग टू शो, लेकिन जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस। ओ उनकी अभी तक वो एम्बुलेंस खड़ी है रेस्क्यू वालों की, वेट आई विल शो यू, वो देखें देयर दे आर, आई थिंक दे आर जस्ट डन एंड लीविंग। ये बाकी लोग हैं, आई थिंक इन्होंने भी कर लिया, खा लिया सब ने। ये जो है ना नुमान भाई है, हमारे प्लम्बर हैं, ये भी बाय चांस आए थे। नुमान भाई और ले लें, और ले लें। कल जो है हम लोग, ओह माय गॉड, लुक एट माय फेस, आई डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ बहुत गर्मी है यार, कराची में तो हवा चलती रहती थी। एनीवे इट्स ओके। कल हम लोग ये सब पेंटिंग्स वेंटिंग्स लगवा रहे थे, अभी ये जो शैंडलियर है इसके ग्लोब्स रह गए हैं, तो बस इस तरह के काम चल रहे हैं। हमने कहा मामा थक जाएंगी जब तक हमें दोनों बहनें यहाँ उनके साथ साथ करवाएं। लेट मी जस्ट सी इफ एवरीबॉडी इज आउटसाइड, और ओह अच्छा ये लोग भी यहीं खा रहे हैं। गाइस वी आर आउट ऑन अ ड्राइव। I love singhare. You know, a lot of people don't know what singhare are. Gande aloo, gande pani kya? What? Gande pani ka. You have just ruined it. It's not. It's not a gande pani ka aloo. Gande pani ke andar bante hain. Gande pani mein bante hain show. Who keeps calling? Aap subah kitne baje aate ho? I'm so excited. This one. Aaj baje. Pakad ke rakhna dusri. Kal subah aati hu phir main subah. Kitne? That's wonderful. Oh my god, I'm so excited. Did you bring the bottle to try yourself? Yeah. Here. Abhi rakho. You can have it. Ye log kha rahe hain samosa. Not a fan. Not a fan. I'm okay with my chalis. No. That looks epic, but that is not kurkuri. I want. It is very crispy. Shouldn't we ask him to burn it a bit? No, ye dekho. Garam garam hai. Woo! Garam garam khao. Guys, it's a nice chalips. What was that song? Jalebi baby. Look at the vibe, you guys. It's just so beautiful. Itni organic, achhi khoobsurat si ek vibe hai. It's just beautiful. Mera to aaj koi, I don't know kya koi BP issue hai ya kya, but like I keep getting these palpitations and headache, but I'm still trying to enjoy. Oh, azan shuru ho gayi. Azan ke baad milti hu. Look at this bedroom, you guys. जैसे मेरा ब्लैक और गोल्ड है, ये भी ब्लैक और गोल्ड है। दिस इज़ अ बिट गॉडियर देन माइन, बट इट्स प्रीटी क्यूट स्टिल। एंड देयर इज़ अ
partition, and then there's a lounge partition here. Oh, that's a nice light. Wonderful. तो बस हम लोग देख रहे थे चीज़ें स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. आई एम गोइंग बैक इन टू डेज, सो आई एम लिटिल, मेरे ख्याल आधी सरदर्द उस वजह से भी, आई एम लिटिल सैड. मैं कल मामा से कह रही थी, आज भी बल्कि कह रही थी कि आई फील लाइक आई शुड एक्सटेंड माई ट्रिप, क्योंकि मैंने काम तो जो भी मेरा होता है ऑफिस का मैं ऑनलाइन ही हैंडल करती हूँ, सो अनलेस आई रियली लाइक अ क्लाइंट वॉन्ट्स मी टू बी देयर, तो मुझे यही था कि माइट एज वेल, वाइज देयर टिश्यू, ओह सॉरी अबाउट दैट, तो मुझे यही था कि आई कैन एक्सटेंड माई ट्रिप. आपको पता है माँ के घर से जब जा रहे होते तो एक अजीब हैवीनेस होती है. नहीं पर उन्होंने बना लिए. शो शो पीपल व्हाट डू यू गॉट. लव कैंडी. डिस्गस्टिंग. एंड व्हाट एल्स. फैंटी बबल योर नेम. ओह माय. जी मैम. मिंट टॉप. मिंट टॉप कौन सी कैंडी है? दे हैव ऑल द कैंडीज इन द वर्ल्ड. दे हैव चूरन चटनी बाय द वे एंड सुपर सावर. अपा आमरस भी है. चूरन चटनी ऑरेंज में भी आती है अपेरेंटली. यू ओ माय गॉड. दिस रियली गुड बाय द वे. दिस लीमू पानी कैंडी इज रियली गुड. किसी को नौजिया हो रहा हो तो तुम ले लो थोड़ी सी अपनी बैग. बड़ी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं. आज जो है मेरा लास्ट डे है मामा के घर. आई एम वेरी सैड बट आई एम कीपिंग माय सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड. मैंने कहा बस सोचना नहीं है इस बारे में. तो अभी मैंने की है थोड़ी सी पैकिंग. पैकिंग करते करते मेरा, मैं लाई थी एक अदद ये बक्सा ये, और पैकिंग करते करते बक्सा तो हुआ ही हुआ फुल, दो कार्टन और फुल हो चुके हैं. बिकॉज माई मदर जस्ट लव्स टू गिव मी स्टफ एंड आई डोंट नो वहाँ जाके मैं वापस कहाँ रखूँगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. और अभी फिर आपा का बक्सा खुला है तो आपा ने भी मुझे काफ़ी कुछ दे दिया है, तो आई एम जस्ट लाइक वेयर डू आई कीप दिस स्टफ. और एक ये दुपट्टा है इतना खूबसूरत, ये मकैश का दुपट्टा है विद द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर इन द वर्ल्ड. सो ये मैंने मामा से ले लिया, ये मामा का दुपट्टा था. और अब मैं जाके इसके साथ रॉसिल का सूट बनवाऊँगी एंड आई एम गोना वेयर इट एंड दैट्स द प्लान. ठीक है. और एक ये है आउटफिट, एक मिनट मैं आप लोगों को रखती हूँ इधर. आई पुट यू गाइज हियर एंड देन वी कैन टॉक. मैं आपको दिखाती हूँ ये आउटफिट है, ये मैं आपा के लिए लाई थी. ये अगर आपा ने मुझे कहा कि उसको ये बहुत मोटा लग रहा है, सो शी गेव इट बैक टू मी. शी सेड यू कैन वेयर इट फॉर द विंटर्स. ये जेब का है एंड इट्स गॉट दीस बटरफ्लाइज, ये मैंने आपको पहले दिखाया होगा. सो नाउ आई एम टेकिंग दिस बैक बिकॉज ये उसको बहुत मोटा लग रहा था और मुझे बहुत क्यूट लगा. पहले मैंने उसको कहा यहाँ अपनी अलमारी में छोड़ जाओ, वापस जब भी आओगी तो पहन लेना, बशीज एक जाया होगा तुम ले जाओ. ओके एंड देन हेलो एंड देन देयर इज द दुपट्टा. क्योंकि मामा का था क्योंकि मैंने ले लिया. हाँ उसको याद आना शुरू हो जाते हैं और अभी तक सुबह बात किए तो वो कह रहा है शूज, आज शूज पहने कम. My cousin Ivy guys Lahore se with her sweetest boy in the world and the most sweet to hai hi hai, is the most well behaved child I have met, most well behaved. I'm not even exaggerating. Wo girta hai, wo baghair roye khada ho jata hai, wo apne aap ko khud hi sort out kar leta hai. Usko bhook lagti hai, wo jaake kehta hai ki mujhe bhook lagi hai, usko kha. He's just such a good boy. He's not even two. Hello, aapko pata chal raha hai aapki baat ho rahi. Bahut cute hai. एनीवे इस दुपट्टे के साथ बनेगा अब एक पिंक रॉसिल का सूट. दैट्स द प्लान. इट्स अ ब्यूटीफुल दुपट्टा. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस दुपट्टा. आज कल सब कुछ सीखते हैं और जब बच्चों को शुरू शुरू में आप बुजे बनाते हैं ना, ये वो ऐसे फोल्ड कर लेते हैं.